अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे यार। तो आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बना रहे हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 3.5 किलो 3 किलो तकरीबन मटन लिया था, और उसके साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला था, काफ़ी सारा, तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला था, 1 कटोरी दही, उसके साथ ही मैंने थोड़ा तिक्का मसाला डाल दिया था, और हल्दी, धड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई मिर्चें, तो तकरीबन कुटी हुई मिर्चें मैंने 4 चम्मच डाली थी, 4 से 5 चम्मच। तो इसमें वज़न भी ज़्यादा था तो मैंने सोचा मैरिनेट करके रख देती हूँ, और मिर्चों की क्वांटिटी इसलिए मैंने ज़्यादा रखी है। और जब नमक डाला इसमें, नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने, आप लोग बोलेंगे मैं हाथ का इस्तेमाल करती हूँ, तो हाँ मुझे हाथ का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा लगता है और आसानी हो जाती है ज़्यादातर, और ज़्यादा था इसी वजह से मैंने हाथ का इस्तेमाल किया, क्योंकि ना वो चमचे से ज़रा अच्छे से नहीं होता। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, सारा मसाला वगैरह सब मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनेगी, आप बना के देखिएगा। ये मैंने इसको रख दिया बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके इसको। उसके अलावा मैंने फिर दूसरे मसालों की तैयारी की, जिस पे मैंने टमाटर वग़ैरह जो है ना मैंने काफ़ी सारे इसमें डाले थे। दही की क्वांटिटी ज़्यादा थी, मतलब मैंने एक प्याली बताया है, एक प्याली का मतलब था मेरे हिसाब से वो एक प्याली थी, मतलब बड़ा प्याला था, वो मेरे मुँह से ही निकल गया कि भाई एक प्याली थी। तो दही तकरीबन आधा किलो था, आधा किलो था क्योंकि 3 किलो के करीब गोश्त था मेरा, तो हड्डियाँ समेत बोन्स वगैरह थी साथ में ना, 3 किलो के करीब मेरा मटन था, तो इसलिए मैंने आधा किलो दही लिया था। उस आधा किलो दही में सारा मसाला लगा के इसको रख दिया, इसको 2 घंटे के लिए मैंने कवर किया था। उसके बाद मैंने अपने मसालों की तैयारी की, जिसमें मैंने लिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्चे, अदरक, लहसुन और ये सब। ये तो अदरक और हरी मिर्च और टमाटर मैंने ले के इसको उसके लिए दम पे डालने के लिए यानी कि गार्निशिंग के लिए मैंने रखा था। उसके अलावा मैंने टमाटर पीस लिए थे, टमाटर के साथ मैंने एक प्याज डाली थी, अदरक लहसुन डाला था उसमें साबुत, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जब वो ग्राइंड हो गया फिर मैंने तेल गरम किया, या आप लोगों को पता है मैं सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ, तो वही मैंने सरसों का ऑयल लेके इसमें तकरीबन मैंने आधा किलो सरसों का तेल डाला, उसके साथ मैंने वो जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था मसाला वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो ये गोश्त था, जो भी मटन था हमारा, उसमें मैंने डाल दिया, उसको डाल के अच्छे से चला के उसे कवर करके मैंने पकाया अच्छे से। जब वो अच्छी तरह पक गया, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, मतलब दूसरा पानी मैंने सादा नहीं डाला, क्योंकि मसाले भी अपना पानी छोड़ेंगे, गोश्त भी, तो उसी में ये गल जाएगा। और ये देखें इसकी ना शक्ल कुछ इस तरह से आ गई थी, लेकिन अभी गोश्त गल रहा था, तो उसमें मैंने थोड़ी कसर थी, ये देखें कितना ज़्यादा पानी आ गया। तो फिर मैंने दोबारा इसे कवर करके रख दिया था कुछ टाइम के लिए, ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह कुछ देर तक और पके, और सारे मसाले भी अच्छी तरह पक जाएंगे इसमें। तो ये मैं बना रही थी अपनी अम्मी के घर पर वीडियो पोस्ट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। असल में मेरे भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप लोग सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, और आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, पर फिर भी दुआ कीजिएगा। अब मैं घर आ गई हूँ वापस, तो मैंने सोचा चलें जो वीडियोस पे लिखी पड़ी हुई हैं वही अपलोड कर दूँ। वीडियोस बनाई ज़रूर थी पर मैंने अपलोड नहीं की थी। अब इसे अच्छे से भून लें बिल्कुल, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से गोश्त भी गल चुका है और मसाला भी पक रहा है। तो जो मैंने टमाटर काटे थे वो थोड़े से टमाटर जब बिल्कुल भुनने लगेगा उस वक्त डालूंगी, और ये जो मसाले मैंने बनाया है इसमें साबुत धनिया, काली मिर्चे और ज़ीरा, ये चीज़ें हैं, तो वो मैंने मतलब कूट के तवे पे रोस्ट करके उसको कूट के रख लिया था मसाला टमाटर। अब बिल्कुल ये देखें इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी है। अब मैंने इस टाइम पे इसको टमाटरों को डाल दिया, ताकि कुछ खड़े खड़े टमाटर अच्छे लगते हैं ना, तो वो हैं, बाकी टमाटर मैं पीस चुकी थी। तो अब इसको अच्छी तरह भून लें बिल्कुल अच्छी तरह, जब ये भुन जाएगा फिर हम इसको दम पे लगाएंगे।
और इसका बिल्कुल पानी खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं रहे। अगर इसमें पानी रहेगा तो वो कच्चापन कहलाएगा। अगर ये भुन जाता है अच्छी तरह, उसके बाद हमें देखना है कि हमने कितना उसमें ग्रेवी रखनी है, बिल्कुल भुना भुना रखना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दें या बिल्कुल वो करें, ज़्यादा पानी ऐड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कढ़ाई है तो बिल्कुल सूखी होती है, मतलब इतनी भी हमारे घर में ज़्यादा सूखी नहीं खाई जाती, थोड़ी सी हल्की सी ढीली हो तो अच्छी लगती है। अब ये मैंने लास्ट में इसमें जो है ना, जो मसाला मैंने पीसा था वो ऐड कर दिया। उसके अलावा मैं इसको दम पे लगाऊंगी, कोयला रखूंगी, कोयले का धुआं दूंगी इसमें और हमारी टिक्का कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और अभी मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी इसके ऊपर, फिर लास्ट में इसमें हरा धनिया जाएगा। फ़िलहाल तो अदरक जाएगी और सबसे लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया जाएगा जब ये दम से उतरेगा। और इसकी शक्ल देख लें आप, ये देखें कितनी ज़बरदस्त शक्ल आ रही है इसकी। और ये भुनता जाएगा, जैसे जैसे फीकी फीकी शक्ल लग रही थी तो वो लग ही नहीं रहा था कि कढ़ाई बन रही, क्योंकि ज़ाहिर है कच्चा था। तो अब जब ये बन जाएगी, और वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी, सबको मेरे हाथ की कढ़ाई बहुत पसंद है। अब बाकी अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है। ये देखें मैंने आप लोगों के सामने कितना सा पानी डाला है, बस ये काफ़ी है। इसी को दम पे लगाएंगे हम, जब इसको दम पे लगाएंगे उसके बाद आप इसका लुक देखिएगा। तो एक कोयला ले लें, उसको अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद एक कटोरी रखें, उसके बाद घी डाल दें या ऑयल डाल दें जो भी, उसको अच्छे से कवर करें और इसको रख दें। ये लीजिए आपकी दम कढ़ाई यानी कि कोयला कढ़ाई तैयार है। तो कढ़ाई फिर इंजॉय करें, और मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, मतलब बहुत पसंद आई सबको, और आप लोग भी बनाएं, सबको खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, स्पेशली मेरे भाई को। अल्लाह ताला उनको और सबके भाइयों को अल्लाह ताला सलामत रखें। अल्लाहुम्मा आमीन। और अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।